महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने किया न्हावा सेवा जल परियोजना का शुभारंभ। सीएम उद्धव बोले, विकास के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगी हमारी सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज भोकरपाड़ा में न्हावा सेवा जल परियोजना की शुरुआत की। इस जल परियोजना पर राज्य सरकार 498 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस अवसर पर राज्य के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में उन्हें पानी की सप्लाई करने के लिए ऐसी परियोजनाओं की आवश्यकता है और उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज सीएम ने यहाँ जल परियोजना की शुरुआत की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, मावल के सांसद श्रीरंग बामने, रायगढ़ की पालक मंत्री अदिति तटकरे, सांसद सुनील तटकरे समेत महाविकास आघाड़ी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में सरकार ने इस कार्यक्रम को सभी तरह की सावधानियों के साथ सम्पन्न कराया। यह संपूर्ण परिसराला पनवेल महापालिका नैना सर्व जे का नवीन हा परिसर झालेला आहे। पूर्वी दोन टप्पे झालेत, हा तिसरा टप्पा जो आहे न्हावा सेवा पाणी पुरवठा योजना 228 MLD ची जी 493 कोटी जी योजना आहे, ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे। या संपूर्ण वाढीव लोकसंख्येला वाढीव पाणी पुरवठ्याची आवश्यकता होती। ही शहरं सगळी वाढत आहेत आणि त्याच्या गरजा लक्षात घेऊन हा मोठा प्रकल्प या ठिकाणी आज मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीमध्ये याचा शुभ भूमिपूजन झालेलं आहे। आणि नक्कीच हे सगळं या भागात उद्योग वाढत आहेत, लोकसंख्या वाढती आहे, वाढतं नागरीकरण शहरीकरण आहे, त्यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेची खूप नितांत गरज होती आणि त्याची आज सुरुवात झाली। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।